फौजी एक ऐसा नाम जिसे सुनने के बाद चेहरे पर एक चमक आ जाती है और याद आता है उनके शहादत, उनकी बेबाकी से लड़ना, निडरता, सब कुछ, बहुत कुछ। लेकिन सोचिए कि एक शहीद जब, यानी एक फौजी जब शहीद होते हैं तो उनके लिए हम क्या करते हैं सिवाय एक स्मारक जहां हम जाकर उन्हें याद कर सकें? इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। लेकिन उन स्मारक की भी इज्जत कितनी है, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं राणा सिंह और लेकर चलता हूं जौनपुर के चंदवक थाना क्षेत्र के बीरीबारी गांव की उस घटना को दिखाने के लिए जिसे देखने के बाद आपके भी सर शर्म से झुक जाएंगे। बीरीबारी गांव के प्रधान हैं आलोक सिंह। आलोक सिंह वहां के एक शहीद मनीष सिंह की जो स्मारक उनकी याद में बनाई जा रही, याद में एक स्मारक बनाया जा रहा था जिसको कथित तौर पे प्रधान आलोक ने तुड़वा दिया, वो भी अपने परिजनों से। मनीष सिंह हैं जो शहीद हो चुके हैं, अपने देश के एक फौजी थे, उनकी याद में बीरीबारी में एक गेट का निर्माण कराना तय हुआ। निर्माण दिनेश चौधरी विधायक के निधि से इस काम को पूरा करने की बातें आई। जहां पर बात जमीन की आई तो विधायक ने पीडब्ल्यूडी से एक जमीन का मांग किया कि जहां पर वो इस तरीके का स्मारक बना सके। जमीन वगैरह निश्चित हुई, एनओसी भी मिल चुका पीडब्ल्यूडी से, और पीडब्ल्यूडी ने भी ये कहा कि बिल्कुल शहीद की याद में एक स्मारक बनना ही चाहिए। दिनेश चौधरी विधायक ने शहीद के परिवार वालों को लेकर पूजा पाठ कराया, शहादत के दिनों को याद किया और स्मारक का काम शुरू हो गया। लेकिन उन्हें एक फोन आता है। फोन किसका? उस गांव के प्रधान का, नाम आलोक सिंह। आलोक सिंह उनको धमकी देते हैं कि विधायक, अगर तुमने इस स्मारक की नींव रखी तो याद रखना कि हम तुम्हारे विधायकी की नींव को उखाड़ फेंकेंगे। विधायक का कहना था कि हमने उनको फोन पर यही कहा कि आप मेरी विधायकी की नींव उखाड़िए या कुछ भी करिए, शहीद की याद में बनने वाले स्मारक को पूरा कराने से कोई नहीं रोक सकता। विधायक ने शिलान्यास किया और काम शुरू हो गया। बात ईगो की आई। अब आलोक सिंह कौन है इसके बारे में भी दो चीज बताते हैं। आलोक पेशे से एक शिक्षक हैं, सरकारी या प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक शिक्षक हैं जिनकी एक कोचिंग चलती है और एक यूट्यूब पेज है जिसमें टारगेट विथ आलोक के नाम से इनकी प्रोफाइल है, जहाँ पर ये बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। अब आइए इस शिक्षक की अच्छी शिक्षा दिखाते हैं। इस शिक्षक ने वहाँ पर जो स्मारक था, जो स्थल था, कुछ अपने लोगों को मिलाकर उसको तोड़ गिराया। बात इतनी ज़्यादा इनको ईगो पे लग गई, ये भूल गए कि इस देश का सर्वश्रेष्ठ हमेशा फौजी हैं, थे और रहेंगे। फौजी के सम्मान में बनने वाले स्मारक के साथ जो बर्ताव हुआ, वो आपको स्क्रीनिंग पे मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से उस स्मारक को तोड़ फेंका गया। चलिए आलोक के बारे में और ब्रीफली जानते हैं। वहाँ के लोग कहते हैं कि ये एक बहुरूपी हैं, और ये उनके कहना क्यों है इसके बारे में भी आपको बताते हैं। आलोक इलाहाबाद में, प्रयागराज में अपनी एक कोचिंग चलाते हैं, जहाँ पर इनका मन बना कि अब हमें पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तो ये बीरीबारी जो इनका मूल स्थान है, निवास स्थान है, वहाँ की तरफ ये चल पड़े। महंगी महंगी लग्जरियस गाड़ी से इनका एंट्री होता है और गांव वाले बड़े प्रभावित होते हैं कि कोई ऐसा गांव में आया है जो इनके लिए इनकी मदद कर सकता है, जो पावरफुल है, लोगों का अच्छा संबंध है, यानी अधिकारियों से बड़े अच्छे तालमेल है। ISPCS की कोचिंग चलाने वाले आलोक के पकड़ के बारे में भी चर्चाएँ खूब होने लगी। आलोक वहाँ पर लोगों के भला करते हुए भी नजर आए। किसी से पैसे की ज़रूरत होती थी तो उसको पैसे से मदद करते थे, किसी को संबंध की ज़रूरत होती थी, किसी अधिकारी के थ्रू काम होना होता तो आलोक उसकी मदद करते थे। एक दिन हुआ यूँ कि एक दलित महिला का किसी ने हत्या कर दी, हत्या का मामला तूल पकड़ लिया। प्रशासन अपना काम कर रहा था लेकिन आलोक को वहाँ से सिंपैथी गेन करनी थी। आलोक ने भीड़ को इकट्ठा किया, थाने का घेराव कर दिया, जहाँ सूबे के मुखिया और देश के प्रधानमंत्री को इन्होंने मुर्दाबाद के नारों से तौल दिया। धीरे धीरे पूरे थाने को पब्लिक ने घेरा और नाराबाजी शुरू हो गया। आलोक आने वाले प्रधानी के चुनाव में उतरना चाहते थे, तो दलित समुदाय को ये अपने में जोड़ कर रखना चाहते थे। लेकिन जब इन्होंने थाने का घेराव किया, उसके बाद आलोक को प्रशासन ढूंढने लगी, क्योंकि कुछ ऐसे वाक्या वहाँ हो गए थे जो असंवैधानिक थे। आलोक की गिरफ्तारी के लिए जब प्रशासन इन्हें ढूंढने लगी तो आलोक गायब हो गए। लोगों का मानना था कि आलोक गए थे कुछ काम से लेकिन वो लौट के नहीं आए, शायद उनका अपहरण हो गया। अपहरण की कहानी पूरे जिले में आग की तरह फैल गई।
कि एक मसीहा कथित तौर पर इस तरीके की लोगों की भला कर रहा था, दलितों के लिए आवाज़ उठा रहा था और अचानक उसके अपहरण हो गए। प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए कि ऐसा क्या हो गया। प्रशासन ने आखिरी बार जो भी इनके साथ थे इनकी गिरफ्तारी की, जिसमें उनके ड्राइवर और गार्ड के साथ साथ इनकी दो लग्जरी गाड़ी भी थाने पर पहुंचा दी गई। थाने पे उन लोगों से कड़ी पूछताछ हो ही रही थी, एक दो दिन बीता ही था संभवतः। इसके बाद आलोक एक वीडियो लॉन्च करते हैं। उस वीडियो में आलोक फिल्मी स्टाइल में बताते हैं कि किसी निजी कारण के काम के कारण ये अपनी लग्जरी गाड़ी, गार्ड, सिक्योरिटी सब छोड़कर कहीं बाहर चले आए और किसी को परेशान ना करे, ये सुरक्षित हैं और जल्द ही थाने पर आकर अपने ऊपर हुए मुकदमे का ये पैरवी करेंगे। जहाँ एक तरफ आपके लिए चलने के लिए सिक्योरिटीज़ हो, आपके पास गार्ड हो और अच्छी गाड़ी हो, परिवार हो, बिना किसी को बताए, यहाँ तक कि लोग बताते हैं कि इनके परिवार के भी रोते रोते उस वक्त हालत ख़राब हो गई थी। और आलोक कई दिनों के बाद ऐसे फिल्मी स्टाइल में लोगों के सामने आए। इसके बाद वहाँ पर उस दलित परिवार को न्याय तो मिलना ही था। प्रशासन हमारी इतनी मुस्तैदी से काम तो करती ही है और हमारी न्यायपालिकाएँ हैं जिनका हम हमेशा से इज्जत करते हैं। उन्होंने उस दलित परिवार को न्याय दिया, आलोक प्रधानी जीत गए। प्रधानी जीतने के बाद आलोक ने सबसे पहला काम किया तो उसी दलित परिवार जिसको लेकर इन्होंने सहमति गेन की थी, उस परिवार की एक दीवार बस इसलिए तोड़ दी कि आलोक का कहना था कि यहाँ से रास्ता गुजरना चाहिए। उसके वीडियो भी आपको स्क्रीनिंग पे दिखाते हैं। इसके साथ ये भी सुनिएगा कि आलोक ने वहाँ किस शब्दों का इस्तेमाल किया है। घटना क्या करके पूरे गांव का रास्ता रोकेंगे? घटना घट जाए सबकर मसरिया का मारी, सबकर मसरिया का मारी भुला गए गाँव का रास्ता, किसी का माँ बाप मर जाए दुर्घटना में, लेकिन गाँव का रास्ता नहीं बंद होना चाहिए। तब पर यह कहिए बच्चा कहाँ कह रहा था? क्यों नहीं, मैं तब नहीं कह पाया, लेकिन मैं प्रधान हूँ, मैं कहूँगा। हमसे कहा कह के चलो, हमसे बतावा गाँव में कह रहा है कि एक प्रधान रास्ता नहीं खुला पा रहा, जो क्या करेगा। वीडियो को आपने देखा, यहाँ पर आलोक ने सिंपैथी गेन के लिए जो काम पहले इनके मदद को लेकर किया था, आज वहीं अपोजिशन में होकर ये बताते हैं कि यहाँ से रास्ता जाना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले का हम पुष्टि नहीं करते कि वहाँ रास्ता था या नहीं था, या अगर था तो ये किस तरीके से बंद था, और नहीं था तो इन्होंने किस तरीके से बलपूर्वक उसको खुलवाया है, आप देख सकते हैं। प्रधान हीरो और नेता बनने की काबिलियत धीरे धीरे आलोक सिंह में आपको समझ आने लगी होगी। सब कुछ करने के बाद अभी आलोक सिंह का ये जो नया मामला है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक शहीद स्मारक, एक शहीद की याद में बनाए जाने वाली चीज़ों का क्षतिग्रस्त किए हैं। कहीं ना कहीं इन्हें ये गुरूर है कि इनका पद, इनका प्रतिष्ठा, इनके संबंध, इनके जानने वाले, इनसे प्यार करने वाले इस कदर इनके साथ हैं कि इनके हर गलत हरकतों पर भी वो साथ देंगे। खबर बनाने तक अभी तक सिर्फ एक्स आर्मी के ऑफिसरों की एक यूनिटी है, जो मतलब संगठन के तौर पे चलते हैं, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसरों की टीम है, उन्होंने ज्ञापन दिया है थाना संदवक पर। उन्होंने इस मामले को लेकर आलोक पर कार्रवाई करने की बात कही है। इस बाइट के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म हो जाएगा, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। मैं था राणा सिंह और आप इस खबर पर अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। जय हिंद। आलोक सिंह जो पहले से विरोध कर रहे थे और उनके जो रिश्तेदार हैं भूतपूर्व फौजी होते हुए भी जो आजकल वर्तमान में पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, आदमियों को बुला करके उस शिलापट को तोड़ के नीचे गिरा दिया। विरोध करने पर गाली गलौज और सब उतारू हो गए, जिसकी सूचना हम लोग थाने पर देने, थाना अध्यक्ष के पास। तो उसमें क्या कार्रवाई हुई? अभी तो ले लिए हैं, उन्हें बोले हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे, अब तो थाना अध्यक्ष के ऊपर है, नहीं तो जो नहीं आज कोई इमीडिएट कार्रवाई नहीं होती तो कल हम DM और SP साहब से जा करके मुलाकात करके ये सब लोगों के ऊपर आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र और रिक्वेस्ट करें। हेलो, हाँ, आलोक सिंह जी से बात हो रही है, बीरी बारी प्रताप जी। जी बताएं। मैं राणा बात कर रहा हूँ आलोक जी, ATINews.com से। कहाँ से? ATINews.com से मैं राणा बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ बताइए। एक मामला आया है सामने जहाँ पर शहीद स्मारक के स्थल को तोड़ने की बातें सामने आई है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं कंसर्न चाहूंगा।
अच्छा अच्छा वो शहीद जी ने, शहीद जी थे मनीष सिंह जी, हाँ हाँ मड़ी के जी। तो मेरे गांव में उनका प्रवेश द्वार बनना तय हुआ था, विधायक नीति से बन रहा था जी। तो विधायक जी आके उसका शिलान्यास कर दिए थे, ठीक है, एक दिन विधिवत। तो बाद में पता चला कि पीडब्ल्यूडी, उन्होंने ये बोलकर किया कि पीडब्ल्यूडी की जमीन, ठीक है ठीक है, लेकिन पीडब्ल्यूडी की नहीं, वो निजी जमीन थी। अच्छा, ये आपकी व्यक्तिगत जमीन थी? नहीं, मेरी नहीं, मेरे मामा की थी। अच्छा ठीक है। तो मुझे लगा कि मामा को पता होगा, जब मामा नहीं विरोध कर रहे हैं तो मैं क्या कहूँ, ठीक है, मामा की जमीन है, जब उनकी जमीन पर शिलान्यास हो गया उनको पता होगा। जी बिल्कुल, जमीन का मामला तो बहुत तेजी से जंगल में आग की तरफ फैलता है। जी हाँ, तो हम सोचा हूँ जानते होंगे, तो विधायक जी शिलान्यास किए, मैं उस दिन यहाँ था भी नहीं गाँव में अपने, मैं इलाहाबाद था। तो जब मेरे मामा को पता चला तो उनके बेटे और बहू आए जी, और उसको ध्वस्त कर दिए, उनके जो सिलापट्ट लगा हुआ था। अच्छा अच्छा, तो ध्वस्त कर दिए, तो पुलिस उठा ले गई, पुलिस अभी भी थाने में बंद, मतलब रखी हुई है, बंद नहीं की लेकिन बैठाई हुई है जी। फिर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई दबाव बनाने के लिए कि भाई इनके ऊपर मुकदमा लिखे गिराए हैं जी, उनके बेटे और बहू के ऊपर, हमारे मामा के जी जी, मुकदमा लिखने कैसा, मतलब कुछ गंभीर धाराएं लगाने के लिए बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई जी। पुलिस के ऊपर भी दबाव है लोगों का जी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे इनका विरोध करने के लिए, कि कैसे गिरा दिए, कैसे ढा दिए, उसी में उनका कोई वीडियो भी वायरल हो गया है ढहाने का, ठीक है, आपके पास भी गया होगा जी। जी बिल्कुल, तभी आप फोन किए हैं, हाँ। और उसके बाद पुलिस अभी बैठाई है, अभी छोड़ी नहीं है। नहीं, मेरा ये जानना रहा है कि इसमें आपका इंटरफेरेंस क्या है, और विधायक दिनेश चौधरी का कहना है कि आपने उन्हें एक कॉल करा था और उनसे ये कहा था कि अगर आपने इस तरीके का कोई काम किया, यानी शिलान्यास वगैरह करने की कोशिश करी, तो आप उनके विधानसभा चुनाव में नहीं, गलत बात है, फर्जी बातें हैं। मैंने ये निवेदन करके चार बार कहा कि विधायक जी एक बार समय निकाल के बात कर लीजिए, कुछ बातें सामने हो जाए, उन लोगों से भी सामने। एक बात ये कहा कि आपको ये चीज का आइडिया नहीं था कि वो जमीन आपके मामा की है या पीडब्ल्यूडी की है, तो ये शिलान्यास से पहले आपको इस चीज का कब अवगत हो गया था कि नहीं ये जमीन मेरे मामा का है? ये तो पता था कि वहाँ पे मामा की जमीन है आसपास, लेकिन मैं लखपाल नहीं हूँ ना, जानता नहीं पूरी। नहीं, शिलान्यास वाली जो जगह की मैं बात कर रहा हूँ, वो अगर आप इसको लेकर कंफ्यूज थे पहले, तो फिर उस समय आपने कॉल क्यों किया था शिलान्यास से पहले कि आप ऐसा किए तो ठीक नहीं होगा वगैरह वगैरह, जो भी उनका एलिगेशन है? नहीं, कौन कह रहा है कि मैं कॉल किया था? विधायक दिनेश चौधरी। नहीं, तो विधायक कॉल तो मैं करूंगा ही, कॉल मैं इसलिए कर रहा था बिकॉज कि मैं इस गांव का प्रधान हूं ना, वो विधायक थे क्षेत्र के, तो मैं भी तो अपने गांव का प्रधान हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, आप ऐसे कि मान लेते हैं गेट लग रहा है तो एक बार आप ग्राम प्रधान से आपका आपको क्या लगता है प्रधान जी कि ये जो हरकतें हुई है वो किस लायक है? आप मतलब न्यूज चैनल वाले हैं या अखबार वाले, कौन है आप पहले अपना परिचय दें? मैं जर्नलिस्ट हूँ, फ्रीलांसर हूँ मैं। तो ये बात आप विधायक से पूछिए कि अगर लगा दिए हैं तो मैं एक शहीद, एक शहीद तो आपको विधायक जी से पूछिए, एक शहीद के स्मारक को तोड़ना, ठीक है, ये किस नजरिए से आप इसको एक्सेप्ट करते हैं? गलत है, ये तो गलत है, गलत है। मेरा ये जानना है कि अगर आप, नहीं नहीं बिल्कुल, शहीद के एक प्रवेश द्वार पे हमला करना या किसी भी इस तरह का जिन्होंने देश के लिए काम किया हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो या फिर कोई शहीद हमारे लिए देश के लिए हो, तो उस पर हमला करना तो मतलब गलत तो है, गलत। प्रधान जी, पुराने वीडियो का भी हम जिक्र करते हैं, एक मामला था जितेंद्र नाम से एप्लीकेशन पड़ा हुआ था, एक महिला का हत्या हुआ था, जिसमें आपने पब्लिक के साथ थाने का घेराव करा था, जहाँ पर आपने सूबे के मुखिया और देश के सामने आइए बात करते हैं, है ना? आप इस सब चीजों से बच रहे हैं, फोनों पे अगर चीजें कंप्लीट हो रही है तो क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, सामने आइए बात करते हैं, ऐसे फोनों कर लीजिए ना, दो मिनट बस और इस चीज का क्लियरेंस कर दीजिए कि बाद में। ठीक है।